हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज यार सवाल देखते हैं। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन करने का सिंपल ट्रिक है, ये देखिए सिंपल तरीका है। तो तरीका क्या है, बट्टे में कितना है, दो और तीन है, और यहाँ पे क्या है, चार है। ओके, तो बट्टे में जो दे रखा उसका एलसीएम लेंगे पहले। इसका एलसीएम कितना आ गया, छह आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है और बट्टे में छह लिख देंगे। आप देखेंगे दो के पहाड़े में छह कितनी बार में आता है, तीन बार में, यानी x को तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा का निशान। फिर तीन के पहाड़े में छह कितनी बार में आता है, दो बार में, यानी कि x को दो से गुणा कर देंगे, बराबर 16 जो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 3x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, बट्टे में कितना है, 6 है, और बराबर 16 है। समझ आई बात। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 2 = 5x हो गया, x को x में जोड़ना है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 2 = 5x हो गया, बट्टे में 6। अब आपको पता ही है जो यहाँ पे बट्टे में होता है उसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसको याद कर लेना। प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, भाग है, बट्टे में है, यानी 5x बट्टे में कितना है, 6 है, तो 6 को उधर भेज देंगे, तो यानी यहाँ पे 16 × 6, तो यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होता है उधर जाके क्या बन जाते हैं, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा, x बराबर 96/5, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ आई बात, इस तरीके से आपको भी करना है। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आपको जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, तो इसको ही बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर क्या, बट्टे में 6 दे रखा है, यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे 1, क्योंकि 1 तो सबके बट्टे में होता है। ओके, अब 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो अपॉन 6 आ गया। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 3x गुणे में 1 हो गया, जमा 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, यानी 2x गुणे में 6 बराबर कितना है, 15 है। 3x जमा में यहाँ पे 6 × 2 = 12, यानी 12x आ गया यहाँ पर, अपॉन 6 बराबर 15, यहाँ पे कितना हो गया, 15x हो गया, अपॉन में 6 बराबर में 15। समझ आई बात। और मैंने आपको बताया था पीछे एक, कि अगर यहाँ प्लस हो तो उधर आगे माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस बन जाता है, गुणा हो तो भाग हो जाता है, और भाग हो तो गुणा हो जाता है उधर जाके। ओके, तो यहाँ पे भाग में है तो जाके उधर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x बराबर में 15 × 6, यहाँ पे कितना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी x बराबर में 15 × 6/15। अब 15 ऊपर भी है, 15 नीचे भी है, काट देंगे, तो x का मान 6 आ गया। ओके, इस तरीके से आपको भी करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको हर जगह यह वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और इसका माइनस वाला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।